सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ आपके बुक का, ठीक है? तो आपके जो बुक है ये इंटरनेशनल रिलेशन जिसे हम बोलते हैं, मेरे पास हाथ में ले रखा है मैंने, ठीक है? आप देखोगे तो इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें नॉर्मली अगर बात करें तो ये बेसिक चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम ये बात करते हैं कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ किस तरह का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है? अभी ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट दो तरीके से भी है। जैसे अभी आप कुछ समय पहले देख रहे होंगे चीन और नेपाल, लास्ट टाइम लास्ट संडे को मैंने बताया था नेपाल और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में कि किस तरह से बिगड़ रही है रिलेशनशिप, ठीक है? और उसको लेकर अलग अलग जो विचार है कि उनके बीच में मतभेद है, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें देखते होगे आप अगर टीवी पे आप डिबेट देखते हो तो, ठीक है? सेम इसी तरह का भी कंट्रोवर्सी चल रही है चीन और भारत के हमारे में रिलेशनशिप चलते ना। ब्रदर, तो इस तरह से चीजें चल रही हैं, ठीक है? तो अलग अलग तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। मतलब एक रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं कि यार अगर ये ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा होगा, इस तरह की चीजें होती है। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ किस तरह का रिलेशन होना चाहिए, इसको हम बात करते हैं, ठीक है? अगर मान लो मैं इंडिया हूँ और आप पाकिस्तान हो, तो दोनों के बीच में अगर अच्छे रिलेशनशिप है तो उसके बहुत सारी चीजें, बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। बेनिफिट, फायदा क्या है कि हमारे रिलेशनशिप अच्छी है तो कि हम स्ट्रॉन्ग मतलब एक बन पाएंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब एक कंट्री साबित हो पाएंगे अगर अच्छी रिलेशनशिप है तो। अगर रिलेशनशिप खराब है तो उससे हमारी बिजनेस भी खराब होगा, जो हमारा कल्चर ट्रेडिशन है वो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब कई तरह से इम्पैक्ट दिखते हैं उसके, ठीक है? तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप का। और दोस्तों ये भी जानना बहुत जरूरी है, आप सबसे एक टिप्पणी लेना चाहूंगा छोटा सा, एक लाइन का आप सभी देना रिक्वेस्ट, आप सभी से कि सब अपना अपना व्यू देना, कि जैसे ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप का चैप्टर है तो पहला चैप्टर अंतरराष्ट्रीय संबंधों को उपागम आपका चैपबुक में नाम दिया गया है, ठीक है? इंटरनेशनल जो थॉट प्रोसेस हम कहते हैं, ठीक है, कि अलग अलग प्रिंसिपल्स का ना, मतलब जो भी विचारक थे उनको लेकर आया कि भाई ये विचारक है इसका ये मानना है, तो ऐसा क्यों, ये चैप्टर को क्यों ऐड किया गया, दूसरे चैप्टर्स को क्यों नहीं जगह दी गई यहाँ पर, दूसरे चैप्टर मतलब यहाँ पे सेकंड सी थी उधर सी थी उससे क्यों नहीं शुरुआत की गई, यहाँ पे विचारकों वाला चैप्टर लाने का क्या जरूरत था, कोई मुझे बताना चाहेगा क्या क्या उसका क्या मानना है, वन बाय वन करके यार प्लीज दो तीन व्यूज दे दीजिए जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जैसे पहला चैप्टर आपके थॉट्स दिखा रहे हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स दिखा रहे हैं अलग अलग विचारकों के, तो इसी को पहला चैप्टर क्यों बनाया गया, आप पहला चैप्टर कोई और चैप्टर क्यों नहीं दिया गया, रीजन क्या है, फिर मैं बताता हूँ अपना व्यूज, अगर नहीं क्लियर होगा आपको तो मैं बताता हूँ, आप पहले एक बार ट्राई कीजिए। इंटरनेशनल रिलेशंस को समझ नहीं पाएंगे तो आगे उसकी थ्योरीज कैसे कंटिन्यू करेंगे, इस वजह से फर्स्ट चैप्टर उन्होंने दिया। यस यस, वेरी गुड, काफी हद तक एक्सेप्टेबल है। और कोई आंसर देना चाहेगा? अगर आंसर है आपके पास तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं उसको आगे कंटिन्यू करूं जिससे आप जल्दी जल्दी आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि बहुत लॉन्ग चैप्टर है। कंटिन्यू कीजिए सर आप। चलिए देख करते हैं फिर, कंटिन्यू करते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम किसी के रिलेशनशिप के, अगर मान लो मैं टीचर हूँ आप स्टूडेंट हो, अगर आप मेरे बैकग्राउंड के बारे में जान चुके हो कि मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ, ये चीजें हैं, मेरे रिलेशनशिप को समझ चुके हो, तो ये मतलब एक मेरे बारे में जान चुके हो तो आपको समझने में आसानी होगा मेरे कॉन्सेप्ट को, ठीक है? आपने मेरी वीडियोस देखी तो आपको आइडिया है कि मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ, तो आप इजिली समझ पाओगे, मुझसे इजिली कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है? बट अगर आप मेरे बारे में जानते ही नहीं होगे और पहली बार आके मुझे फेस टू फेस मीट करोगे, ठीक है, फेस ऑफ करोगे मुझे, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको आपको मुझे समझना, आप मुझे समझ नहीं पाओगे इजिली, ठीक है? तो इसके कारण से यहाँ पे ये चैप्टर डाला गया। मेन रीजन ये है कि अगर हम पहले इंटरनेशनल रिलेशनशिप को समझ जाए, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को समझ जाए कि हाँ ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप है और इसके अंदर में अलग अलग कंट्री का ये रोल है, ऐसे ऐसे ये कंट्रियां कर रही हैं, ऐसे ऐसे इनका प्ले रोल है, ठीक है, जिसके कारण से क्या होगा कि इजी होगा समझने में भाई कि हाँ ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, ठीक है? उसमें सभी चीजों की अगर हम बात करें तो एक विचारधारा आता है, सबसे पहला आता है सशस्त्रीय यथार्थवाद हम कहते हैं, या फिर हंस मोगेनथाउ के क्लासिकल, ठीक है, आइडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, क्लासिकल रियलिज्म के बारे में, ठीक है? क्लासिकल रियलिज्म या फिर यथार्थवाद, हंस मोगेनथाउ का ये विचारधारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो हंस मोगेनथाउ हुए उनकी विचारधारा में कहा क्या जाता है, समझना ध्यान से दोस्तों। हंस मोगेनथाउ कहते हैं कि जो भी चीज है आपके आसपास में, जो भी घटना घटती है उसको रियल फॉर्म में दिखाया जाए, रियल दिखाया जाए, कोई उसमें मतलब ऐड ना किया जाए। क्या होता है कि जैसे आप आसपास में, मैंने किसी को बताया कि भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया,
सपोज करो मैंने किसी को बताया कि मैं यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया और आपने दूसरे को फॉरवर्ड किया वही बात, पर उसके अंदर मैं दो बात जोड़ दिया कि भाई वहां पे एक्सीडेंट हुआ, एक आदमी मर गया, आगे क्या बात वहां पे हो गया कि एक्सीडेंट हुआ, जिसका एक्सीडेंट हुआ वो इसका ये हो गया वो हो गया, ऐसा करके आपने आगे आगे करते हुए स्क्रिप्ट बढ़ा दी, ठीक है। तो जो रियल फॉर्म था उसमें नहीं बताया आपने, आगे चल के चेंज कर दिया। तो हंस मागुन था कहते हैं कि जो भी मतलब यथार्थवाद में कि रियल को दर्शाया जाए, वास्तविक जो वास्तविकता है उसको दर्शाया जाए, ठीक है। यथार्थवाद एक तरह का वास्तविकता सिद्धांत को कहा जाता है, ठीक है, समझ में आता है दोस्तों, समझ में आ रहा है, एक बार बता दीजिए मुझे। जैसे देखो हंस मोहन थाव की अगर बात करते हो दोस्तों, तो हंस मोहन थाव इम्पोर्टेंट है, इनकी क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि हंस मोहन थाव के 6 प्रिंसिपल्स को समझाओ, हंस मोहन थाव के 6 प्रिंसिपल्स कौन से थे, ये आ जाता है अक्सर एग्जाम में कि हंस मोहन थाव के 6 प्रिंसिपल बताओ, ठीक है, उनके सिद्धांत क्या थे, इस तरह से क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। अगर इनके नॉर्मल बैकग्राउंड को देखो तो जो हंस मोहन थाव जर्मनी से बिलोंग करते थे, जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है, जब वहां पे हिटलर का शासन आता है, ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब हिटलर का शासन आता है तब वहां पे वो हंस मोहन थाव वहां से शिफ्ट होकर अमेरिका जाते हैं, वहीं पर अमेरिका में रहते हैं, वहीं पर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, वहीं पर अपना रियलिज्म का स्कूल स्टार्ट करते हैं और वहीं पर पढ़ाते लिखाते हैं, सब कुछ वहीं चल रहा होता है अमेरिका में, ठीक है। और हंस मोहन थाव को यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ता है, क्यों इनकी विचारधारा की जरूरत पड़ती है और क्यों इतने बड़े लेवल पे आपको बुक में पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, रीजन ये होता है, मेन रीजन ये है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो लोगों ने इसको एनालाइज किया कि भाई युद्ध होने का कारण क्या था, कोई भी चीज होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, तो जब एनालाइज हुआ तो वहां पे पता चला है किसी भी कंट्री के पास एक प्रॉपर आइडियोलॉजी नहीं था, विचार नहीं था, ठीक है, जिसे उपागम नहीं था, उपागम मतलब होता है विचार, ठीक है। तो ये समझ, ये सब उसके सामने खुलकर आया, निकल कर आया कि यार जो भी लड़ाई हुई ना उसके अंदर मेन रीजन ये है कि इन कंट्रियों के पास एक प्रॉपर आइडियोलॉजी नहीं था, इसके कारण से ये युद्ध हुआ, ठीक है। अगर इनके पास एक प्रॉपर आइडियोलॉजी होता, विचार होती, तो ऐसा युद्ध होता ही नहीं, ठीक है, कोई प्रॉपर गाइड करने वाला होता तो युद्ध होता ही नहीं। एक यहाँ पे एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं कि जैसे महाभारत था, महाभारत आप सबने सुना होगा, महाभारत के बारे में सुना है ना, तो महाभारत था, तो महाभारत के अंदर में अगर कृष्ण भगवान नहीं होते तो क्या अर्जुन जीत पाता कभी भी युद्ध को, क्योंकि कृष्ण भगवान डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसे गाइड कर रहे थे, ठीक है, उसे हेल्प कर रहे थे, जिसके कारण से वो युद्ध में पार्टिसिपेट कर सके, युद्ध जीत सके, ठीक है। तो सेम यहाँ पर निकल आया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी यही रीजन निकल के आता है कि यार अगर कोई विचारधारा नहीं होगा, कोई उपागम नहीं होगा जो गाइड कर सके लोगों को, तो कैसे मतलब युद्ध जैसी संभावना बनेगी बनेगी और युद्ध होगा ही होगा। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ाया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सीट भी पढ़ाया, जिसमें मैंने बताया कि जर्मनी क्या कर रहा था कि गुप्त संधियां कर रहा था अलग अलग कंट्रीज के साथ। अब गुप्त संधियां करने का रीजन क्या हुआ कि वो गुप्त संधियां किया तो उसके कारण पूरी कंट्री आपस में हौचपौच हो गई। अब मान लो जर्मनी ने इटली के साथ संधि कर ली, इटली ने उसके साथ संधि कर ली, अगर कोई भी युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा तो बाकी कंट्रीज को भी पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी होगी, क्योंकि वो सारे एक दूसरे से संधि में बंधे हुए हैं, ठीक है, समझ में आता है। तो इस तरह से यहाँ पे यथार्थवाद की विचारधारा आती है कि भाई अगर जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हंस मोहन थाव यहाँ पर लेकर आते हैं यथार्थवाद की विचारधारा, जिन्हें हम क्लासिकल विचारधारा के तौर पे भी देखते हैं, ठीक है, क्लासिकल विचारधारा के तौर पे भी माना जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो इसको आदर्शवाद भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आप बुक में देखोगे तो यथार्थवादी दृष्टिकोण को या आदर्शवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद जैसे अन्य उपागमों से तुलना की जाती है, ठीक है। आदर्शवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद, ये जैसी जो भी थ्योरीज हैं, ठीक है, इनसे कंपेयर की जाता है कि ऐसा ऐसा है यथार्थवाद के अंदर में, ठीक है। हंस मोहन थाव नॉर्मली ये कहना चाहते हैं यथार्थवाद की विचारधारा के अंदर में कि जो भी चीज रियलिटी है, ठीक है, वास्तविकता है उसको दर्शाओ, ठीक है, जो रियल है उसको दर्शाओ। और यहाँ पे ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, अंडरलाइन करके हाईलाइट करके दिखाते हैं कि अगर मान लो आप अगर किसी देश के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हो तो उस कंट्री के अगर जो भी रूल है, रेगुलेशन है, ठीक है, सिद्धांत है, उसके बारे में जानना चाहते हो तो सबसे पहले आप ह्यूमन बिहेवियर समझो कि ह्यूमन बिहेवियर है क्या, ठीक है। अगर ह्यूमन बिहेवियर आप समझ चुके हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी और आप इजिली मतलब कर पाओगे, मतलब समझ पाओगे रिलेशनशिप को एक दूसरे के, ठीक है। तो इस तरह से वो बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे वास्तविकता की अगर बात करोगे तो यहाँ पे ये नॉर्मली हंस मोहन थाव एक अमेरिका को लेकर ये पक्ष में रखते हैं कि आप अपने लोगों का ह्यूमन बिहेवियर समझे, जैसे कि अमेरिका शुरू से ही क्या रहा है, पूंजीवादी के पक्ष में रहा, ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ये कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ कर उसने पूंजीवादी के लिए, ठीक है, आगे आया, ठीक है, पूंजीवादी के पक्ष में वो आगे आया, जिसके कारण से ये यथार्थवाद की जो विचारधारा थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनी अमेरिका के लिए,
ठीक है, क्योंकि अमेरिका के लिए उसने ये सिद्धांत दिया कि अगर आप युद्ध में जीतना चाहते हो तो आप अपने लोगों के ह्यूमन बिहेवियर को समझो, जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है उसको दर्शाओ, ठीक है, वास्तविकता को दर्शाओ। यहाँ पे सिंपली इसने यथार्थवाद में ये बोला गया, ठीक है, समझ में आता है दोस्तों यहाँ तक? समझ में आ रहा है जो मैंने अभी तक बताया वो आपको समझ में आ रहा है तो मुझे एक बार बता दीजिए, फिर मैं उसके हिसाब से आगे बढ़ूं फटाफट। चलिए मैं आगे और थोड़ा सा बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ तक तो नॉर्मली समझ में आता है कि भाई यथार्थवाद ये, ठीक है, यथार्थवाद मतलब एक रियलिटी को दर्शाता है, वास्तविकता को दर्शाता है, ये सब समझ में आ गया मुझे, ठीक है, यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जिनका भी माइक ऑन है प्लीज करके अपना माइक ऑफ कर ले, ठीक है, एक घंटे की क्लास है नॉर्मली, क्योंकि एक घंटे के अंदर में आपका सारा मुझे खत्म करना है, तीन आइडियोलॉजी को खत्म करना है, और ये इम्पोर्टेंट भी है, अगर आपका माइक ऑफ है तो उससे इजी रहेगा आपको समझने में, और कहीं पे भी आपको कुछ पूछना हो तो अपना ऑन कीजिए, पूछ सकते हो इजीली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। वापस से स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है, फटाफट इसके जो सिक्स प्रिंसिपल्स हैं और यहाँ पे बुक में वो प्रिंसिपल्स अलग दिए हुए हैं, और जो आप यूट्यूब पे पढ़ते हो कहीं और विकिपीडिया पे पढ़ते हो तो अलग क्यों है इसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि हंस मोगेनथाउ जर्मनी से आए हुए थे, यथार्थवाद प्रिंसिपल की जरूरत क्यों पड़ी, इवन यथार्थवाद क्या किसी भी तरह की आइडियोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि युद्ध जैसी संभावना बन रही थी और उसको गाइड करने वाला कोई था नहीं, इसके कारण से इसको इसकी जरूरत पड़ी। एग्जाम्पल मैंने महाभारत का भी यहाँ पे दिया, साथ साथ मैंने ये बताया कि यथार्थवाद कहता क्या है, तो यथार्थवाद ये कहता है कि भाई ह्यूमन बिहेवियर को समझो, अगर आप अपने ह्यूमन बिहेवियर को समझते हो तो आप अपनी कंट्री को समझ सकते हो और उसके हिसाब से आप रिलेशनशिप तय कर सकते हो एक दूसरे कंट्री के साथ में, ठीक है। यहाँ पे साथ साथ ये भी कहता है यथार्थवाद जो वास्तविकता है, जो प्राकृतिक है उसको दर्शाओ, ठीक है, यहाँ पे कहता है जो घटना जिस रूप में घटी है उसको उसी रूप में दर्शाओ, ये नहीं कि उसको चेंज कर दो, उसका स्वरूप चेंज कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ, मतलब जो वास्तविकता है, जो जिस हिसाब से घटी हुई है घटना उसको उसी रूप में दर्शाना, ठीक है, समझ में आता है। क्योंकि अक्सर आप क्या देखोगे अपने आसपास में, अक्सर क्या देखोगे कि कई सारे लोग होते हैं उनके सामने कोई चीज इंसिडेंट घटा, इंसिडेंट हुआ तो क्या करते हैं उसको चेंज करके बताते हैं, वहां पे अगले को जब वो ट्रांसफर करते हैं, अगले को जब उसको समझा देते हैं, नरेट करते हैं तो उसको बिल्कुल बदल देते हैं, ये आप हुआ था ये और उन्होंने बताया ये, ठीक है। तो इस तरह की घटना के लेकर यहाँ पे यथार्थवाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसकी जरूरत क्यों पड़ती है दोस्तों, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो वहां पे जो मीडिया थी, जो मीडिया कर्मी थे, जो मीडिया वहां पे न्यूज़पेपर, न्यूज़ एजेंसी जो भी वर्क कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा भड़काऊ स्पीच और भड़काऊ भाषणों का यूज किया जा रहा था, ठीक है, जिसके अंदर में क्या हुआ कि जो भड़काऊ भाषण, भड़काऊ स्पीच का जब यूज हो रहा था तो उसके कारण से लोगों के अंदर में एक आक्रोश सा पैदा हो, ठीक है, जब आक्रोश पैदा हुआ तो कहीं ना कहीं निकलेगा भी अगर किसी के अंदर में आक्रोश आया तो, ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पे आया कि भाई जो रियल है उसको रियल ही फॉर्म में दर्शाओ, ना कि उसके अंदर में कुछ चेंजेस करो, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ इसके कुछ जो मेन जरूरी है कि यहाँ पे शक्ति के संदर्भ में यथार्थवाद क्या कहता है, ठीक है, शक्ति पावर को लेकर यथार्थवाद का क्या मानना है, तो यहाँ पे पावर को लेकर यथार्थवाद कहता है कि जो जिस तरह मतलब जो सरकारों की पूंजी क्या होता है कि अगर हम लोगों को समझ रहे हैं तो उसको पावर को समझ रहे हैं। जैसे नेपाल का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि नेपाल की सरकार ने क्या किया, जो भारत की जमीन थी काली रिवर का जो मैटर है उसको नेपाल के अंदर उठाया, सभी लोग जानते हैं, इवन इंडिया भी, नेपाल भी जानता है कि ये इनकी जमीन है, इंडिया की जमीन है, ठीक है, पर फिर भी वो मुद्दा उठा रहा है, और मुद्दा उठाने के बाद तो देश हित में, राष्ट्र हित में दिखाता है कि भाई ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो उसके जो लोग होते हैं वो बोलते हैं हाँ ये हमारे देश के लिए जरूरी है। इवन इंडिया भी ऐसा ही करता है कि कोई भी मुद्दा होता है तो उसको लोग राष्ट्र हित से जोड़ देते हैं कि भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए ये चीज है, अगर ये नहीं होगा तो भारत को नुकसान होगा, तो इस तरह की चीजें जोड़ने से क्या होता है कि लोगों को ही पावर को समझा जाता है कि लोग ये चाहते हैं, इसके कारण से ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसके कारण से यहाँ पे दिखाता है कि राष्ट्र हित यहाँ पे संदर्भ में दिखाया जाता है कि राष्ट्र हित के लिए वर्क करता है, राष्ट्र हित की मतलब विचारधारा कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर आता है, ठीक है, आइडियोलॉजी को लेकर आता है यहाँ पे ये यथार्थवाद, ठीक है, कि अगर आप राष्ट्र हित कोई बात करते हो, लोगों की जो सोच है उसकी बात करते हो तो फिर आप गोइंग गुड, मींस यू आर गोइंग इन अ गुड वे, ठीक है, ये ऐसा कहता है सिंपल वे में, ठीक है। अब एक बात ये बता दूं दोस्तों कि जैसे कि आप भाई अपने बुक में पढ़ोगे और अगर यूट्यूब पे या फिर किसी विकिपीडिया किसी भी मतलब इंटरनेट की साइट पे जाके अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। आपको सिक्स आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ने के लिए, थ्योरीज के बारे में पढ़ने के लिए बताया जाएगा, सिक्स क्वेश्चंस आते हैं, मतलब सिक्स आइडियोलॉजी के ऊपर में क्वेश्चन बन के आते हैं कि यथार्थवाद के छह विचारधारा क्या थे, छह सिद्धांत क्या थे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं।
पर कहीं भी आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलता उसके सिद्धांत किस तरह के हैं। आपके बुक में अलग दिया गया है, यूट्यूब पे अलग है, विकिपीडिया पे अलग है। तो एक एक करके मैं सिद्धांतों को भी डिस्कस करने वाला हूँ, पर पहले बुक का बताऊं तो क्यों अलग है, क्या अलग है। अगर आप अपने बुक को एनालाइज करोगे तो सारा कुछ सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा वर्ड अलग कर दिया गया है, ठीक है। बुक में भी सेम है, बस बुक में थोड़ा मतलब विस्तार में बताया गया है, और जो बाकी जगह पे वो शॉर्ट में बताया गया, सिर्फ 6 सिद्धांतों को खत्म कर दिया गया। पर यहाँ पे 6 सिद्धांतों को आपको ढूंढना पड़ेगा बुक में से, क्योंकि एक बहुत बड़ा पैटर्न के तौर पे बड़ा सा दिया हुआ है, विस्तार में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी सब चीज वही है, सेम है, शब्द अलग है पर चीजें वही है, ठीक है। पहला यहाँ पे सिद्धांत आता है हंस मोगेनथाउ का, ठीक है। राष्ट्रीय राजनीतिक में मानव प्रकृति के आधारित वस्तुगत नियम, ठीक है। समझ सुनाई दे रहा है जो मैंने क्या बोला अभी दोस्तों? यहाँ पे 6 सिद्धांतों के बारे में बात करूंगा, तो 6 सिद्धांत आपको सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको सिद्धांत समझ में नहीं आएगा, सुनाई नहीं देगा, तो प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। क्योंकि आपको सिद्धांत अगर समझ जाते हो तो भले ही आपके सिद्धांत का नाम याद ना हो, तो एटलीस्ट 4 से 5 आप लिख तो पाओगे बनाकर, ठीक है। तो इसके कारण से सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला सिद्धांत आता है अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक में मानव प्रकृति पर आधारित वस्तुगत नियम, ठीक है। थोड़ा लंबा सा है, सिंपल कहें तो मानव जो मतलब ह्यूमन नेचर पे बेस्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, ये सिंपली समझ लो। एक्सक्यूज मी सर, पे बेस्ड। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। यस 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 सर, ये आप एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये प्रिंसिपल्स बता रहे हो, इसको साथ में आप इंग्लिश में भी थोड़ा बता दोगे? जरूर जरूर ब्रदर, जरूर मैं बता दूंगा, जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, इंग्लिश में। तो अभी तक मैंने जो बताया आपको समझ में आया उसको, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ जी सर, हाँ जी, नहीं नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंट्रोडक्शन सारा क्लियर है। ओके ओके, चलो देखो, यहाँ पे पहला प्रिंसिपल आता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक में मानव प्रकृति पर आधारित वस्तुगत नियम, मतलब यहाँ पे कहता है वो कि ह्यूमन नेचर, मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर, मतलब अगर आप अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक की बात करते हो तो वो किस पे बेस्ड होना चाहिए? ह्यूमन नेचर पे बेस्ड होना चाहिए। अगर ह्यूमन नेचर पे बेस्ड है, अगर आप अपने ह्यूमन के नेचर को समझ रहे हो, जो आपके यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके बिहेवियर को समझ रहे हो, तो आप अपनी राजनीति को समझ रहे हो, अपने मतलब जो भी किसी के कंट्री के साथ अगर रिलेशन बना रहे हो उसको समझ पा रहे हो, इजिली आप कर पाओगे, ये इसके बारे में वो बात करता है, ठीक है। पहला सिद्धांत यहाँ पे आता है पॉलिटिक्स रीजन बिलीव दैट पॉलिटिक्स इन अ गवर्नमेंट by the objection law that have to their roots and human natures, मतलब जो main जड़ है, जो राजनीति की main जड़ है क्या है? human nature में। यहाँ पे simply कहता हूँ, ठीक है, कि राजनीति का जो main जड़ है वो human nature में। brother आप कुछ कहना चाहते हो क्या? आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो आगे मैं बताता हूँ, ये समझ में आता है? पहला समझ में आता है, सिंपली कहता है कि जो राजनीति की बेस, जो जड़ है, जो जड़ है, अगर राजनीति की कहीं भी शुरुआत होता है तो किससे शुरुआत होता है? तो ह्यूमन नेचर से शुरुआत होता है, ह्यूमन नेचर मेन है। और ये जो यथार्थवाद है, शुरू से लेकर ह्यूमन नेचर की बात करेगा लास्ट तक, ठीक है, वहां पे कहीं ना कहीं घुसाकर वो घुमा फिरा के इंसानों को ले आएगा कि इंसान इंपॉर्टेंट है, इंसान इंपॉर्टेंट है। पर जब अगला इसके अंदर आइडियोलॉजी की बात करोगे, जब नवी यथार्थवाद पे जाओगे, तो वहां पे टोटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगले सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे कहता है शक्ति के संदर्भ में राष्ट्र हित की व्याख्या, The concept of interest defined in the concept of power, ठीक है। यहाँ पे पावर किस पावर को लेकर बात करता है, कि पावर को लेकर, और पावर और कंट्री को लेकर, ठीक है, कि शक्ति कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है राष्ट्र हित के लिए, ठीक है। कंट्री और पावर को बात करता है कि पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है राष्ट्र हित के लिए। राष्ट्र हित मतलब क्या होता है? कि अपने देश के लिए भलाई करना, ठीक है, अपने देश के बारे में सोचना। जैसे मान लो अभी हमारे 20 सैनिक मारे गए, ठीक है, चीन और जो भारत के बीच में विवाद हुआ उसके कारण हमारे 20 सैनिक मारे गए, आपने न्यूज में देखा होगा अभी, ठीक है, सुना होगा, बहुत ज्यादा सुना होगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या है, लोगों के अंदर में एक राष्ट्र हित की भावना जागृत हुई कि यार हमें उसके खिलाफ बायकॉट करना चाहिए चीन को, ठीक है, चीन के सामान नहीं खरीदनी चाहिए। इस तरह की चीजें आपने बहुत ज्यादा देखी होगी, बायकॉट चीन, आपने यूट्यूब व्हाट्सएप स्टेटस बहुत सारे देखे होंगे, ठीक है, इसको डिलीट करो, उसको नहीं खरीदे, इसको खरीदे, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं भी बायकॉट कर रहा हूँ, आप भी बायकॉट कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम हमारे अंदर में राष्ट्र हित की भावना जागृत हुई है, ठीक है। आज मतलब वहां पे यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आज 4th चैप्टर करवाना था ना, नहीं, 1st चैप्टर ही मैंने करवाना था, मैंने ग्रुप में बताया था रात में, ठीक है, कि आज मैं 1st चैप्टर ही करवाऊंगा। और जो भी तीनों आइडियोलॉजी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अंदर में ये प्रॉब्लम आ रही थी आइडियोलॉजी को लेकर, ठीक है, इसके कारण से मैं इन तीनों को क्लियर कर रहा हूँ एक बार, और इसके बाद से आपके जो बाकी चैप्टर है वो इजी है, ठीक है। इन आइडियोलॉजी को एक बार पढ़ लो आज की वीडियो में, उसके बाद इजी है, बाकी आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। वापस से आते हैं हम सेकंड कॉन्सेप्ट पे, यहाँ पे कहता है कि पावर और कंट्री राष्ट्र हित, ठीक है,
जो हम कंट्री रिलेशन इंटरेस्ट ऑफ कंट्री कहते हैं, जो मतलब कंट्री का राष्ट्र हित है, ठीक है, तो वहां पे जैसे अब चीन और भारत का मुद्दा हुआ तो मैं भी वो उसको बायकॉट कर रहा हूँ, आप भी बायकॉट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोगों ने हमारे मन में क्या मतलब चीजें लाई कि यार ये राष्ट्र हित के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राष्ट्र हित के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा हमारे माइंड में सेट किया गया जिसके कारण से हम बायकॉट कर रहे हैं। मेन रीजन तो यही है ना, कोई रीजन है किसी और के पास जो बायकॉट करने का? ठीक है, मेन चीज यही है कि भाई वो हमारे सैनिकों को मार रहे हैं और हम उसी का सामान खरीदे, यही चीज हमारे मन में चल रही है जिसके कारण से हम बायकॉट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि अगर आपको पावर अपना बढ़ाना है तो सबसे पहले आप अपने ह्यूमन नेचर को समझो। अब सरकार, भारत सरकार ने क्या समझा कि हमारे लोग का नेचर कैसा है, तो उन्होंने चीन का जो मुद्दा है उसके खिलाफ लोगों को भड़काया गया कि अगर आप बायकॉट करोगे तो हमारी पावर स्ट्रांग होगी चीन के सामने। और बायकॉट करने का फायदा क्या है कि अगर हम बायकॉट करते हैं किसी भी चीज को, चीनी प्रोडक्ट को, तो चीन के जो मार्केट है, ठीक है, इकोनॉमी हो थोड़ी सी नीचे जाएगी, उनके उनका अर्थव्यवस्था थोड़ा सा नीचे जाएगा, इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर भी पड़ेगा पर उनके ऊपर ज्यादा पड़ेगा क्योंकि उनकी कंपनियां हमारे यहाँ पे आ रखी है, उनके हम सामानों को खरीद रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ पड़ेगा पर उनको प्रभाव ज्यादा होगा, ठीक है, दो एक तरीके से, तो उसके उस तरीके से हमारा पावर इंक्रीज होगा उनके सामने कि हम आपके सामान को नहीं खरीद रहे क्योंकि आप हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, समझ में आता है ब्रदर, आप सभी को समझ में आ रहा है? सॉरी, आप सभी को समझ में आ रहे क्या? पहला ह्यूमन नेचर, ठीक है, कि ह्यूमन नेचर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ह्यूमन नेचर मैटर करता है, ठीक है, और दूसरा आ जाता है आपका शक्ति के संदर्भ में राष्ट्रहित, मतलब इंटरेस्ट ऑफ डिफाइन द टर्म्स इन पावर, ठीक है, कंट्री के लेकर, कंट्री को अगर आप बात करते हो तो वहां पे पावर इंपॉर्टेंट दिखाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है राष्ट्रहित की परिस्थितियों का प्रभाव, अगर राष्ट्रहित अगर आपने ला दिया, मतलब टर्म्स इंपैक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट मतलब राष्ट्रहित, इंपैक्ट मतलब उसका राष्ट्रहित का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, दूसरी चीजों के ऊपर में। अगर पहली चीज आपने ह्यूमन नेचर को समझ लिया, दूसरी चीज आपने राष्ट्रहित के पावर को समझ लिया कि भाई अगर राष्ट्रहित सबके मन में जागृत हो गई, ठीक है, तो उसके पावर क्या होगा, हमारी पावर इंक्रीज होगी, भारत सरकार की पावर इंक्रीज हुई क्योंकि लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है, जितने भी सेना मरे, हमारे 20 लोग शहीद हुए, ठीक है, 20 सैनिक शहीद हुए, उसके घर वाले, जितने भी घर वाले, वो कह रहे कि यार मेरे जो भी बच्चे हैं वो भी सेना में ही जाएंगे, तो एक तरह से राष्ट्रहित की भावना जागृत हुई, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहता है तीसरा कॉन्सेप्ट आता है कि राष्ट्रहित की परिस्थितियों में मतलब परिवर्तन या फिर जागृत होना, ठीक है, तो नेशनल इंटरेस्ट इंपैक्ट, ठीक है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा राष्ट्रहित के ऊपर में, मतलब अगर किसी के अंदर में राष्ट्रहित जागृत हो गई तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अब मान लो भारत के अंदर में राष्ट्रहित जागृत है अभी सभी लोगों के अंदर में, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है कि हम चीन के सामानों का बायकॉट कर रहे हैं, ठीक है, कोई उनको देखना पसंद नहीं कर रहे, उनके लिए हम दूसरी चीज अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की सोच रहे हैं। जैसे मोदी जी ने यहाँ पे लास्ट टाइम क्या कहा था कि हमें अपनी घरेलू बनी हुई चीजों को खरीदना चाहिए, ठीक है, किसी का मैसेज आ रहा है, 2 सेकंड दोस्तों। देखो दोस्तों, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है, ये 6 आइडियोलॉजी है आपको बुक में मिलेंगे, ठीक है, बट आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मैं पहले जो हमारे पॉइंट्स है वो 6 आइडियोलॉजी वो क्लियर कर दे रहा हूँ जो इजी लैंग्वेज में है। बुक में भी सेम आइडियोलॉजी है बट थोड़ा टफ लैंग्वेज में, डिफिकल्ट लैंग्वेज में आप थोड़ा सा पढ़ोगे उसे तो सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है, बट वो थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, बाकी सब कुछ सेम ही है, ठीक है, आइडियोलॉजी, बट 6 चीज यही 6 आइडियोलॉजी उसके अंदर में मिलने का आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। किसी बच्चे ने पूछा था कि ये चीज सेम है या नहीं है, तो सेम है दोनों, बस वहां पे क्या है कि आपको बुक में फाइंड आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं फाइंड आउट करके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रहित की परिस्थितियों की बात करता है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो इम्पैक्ट क्या है, जैसे अब हम बायकॉट कर रहे हैं, मोदी जी ने कहा कि घरेलू सामान को खरीदो, तो अब हम वहाँ पे घरेलू सामान को खरीदते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम घरेलू सामान की खरीदने की बात करते हैं, सारी चीजें आ जाती है, ठीक है, तो ये इसका एक प्रभाव है, राष्ट्रहित का प्रभाव आता है, समझ में आता है। पहला चीज ह्यूमन नेचर, दूसरा चीज राष्ट्रहित को समझना, तीसरा चीज राष्ट्रहित का प्रभाव। अगर आप चौथे इसके उस बारे में जाते हो, चौथे आइडियोलॉजी के बारे में जाते हो, तो यहाँ पे आता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत राज्य पर लागू नहीं होते, ठीक है, जो यूनिवर्सल थॉट्स है, यूनिवर्सल रूल है, ठीक है, यूनिवर्सल थ्योरी है, वो किसी भी मतलब स्टेट पे लागू नहीं होते, नॉट अप्लाई यूनिवर्सल रूल, नॉट अप्लाई इन स्टेट्स, मतलब अगर मान लो जो कहा गया ये सच है और ये सच ही रहेगा तो उसको नहीं माना जा सकता। जैसे कि कहा जाता है कि लोग जो सिद्धांत है उनका चेंज होता रहता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी होता है लोगों के मन का चेंज होना, जैसे कि अभी हमारा जो सिद्धांत है, अभी हम सब अभी हमारे सैनिक शहीद हुए, 20 सैनिक शहीद हुए, तो हम सबके मन में क्या है कि हमें चीन के सामान को बायकॉट करना चाहिए, सबके अंदर में गुस्सा है, पर अगले ही पल क्या होगा, 2-4 दिन बाद क्या होगा, हम सभी लोग पबजी डाउनलोड करेंगे, अलग अलग तरह के जो भी हमने अनइंस्टॉल किए ऐप उसको वापस से इंस्टॉल करेंगे, वापस से खेलना शुरू, ठीक है, तो कब हमारी
ह्यूमन नेचर चेंज होगा इसके बारे में नहीं कह सकते। तो ये असंभावनाओं का यहाँ पे बोला गया संभावनाएं है, ठीक है। सार्वभौमिक सिद्धांत की बात करता है कि यूनिवर्सल रूल है भाई, यूनिवर्सल है थ्योरी है, ये चेंज भी हो सकती है समय पड़ने पे। ये नहीं, जरूरी नहीं है कि आप इसी पे रुके रहोगे, ठीक है। और अगर लगता है आपको जरूरत है चेंज करने की तो चेंज करो, अपग्रेड करो, ठीक है। ये नहीं कि आप उसी पे अटके रहो, मेन चीज समझ में आता है। जैसे मान लो कि पहले की हमारा प्रोसेस ये है कि भाई इसको चेंज करना चाहिए, कोई चीज है और उसको अपग्रेड करना चाहिए, अगर अपग्रेड नहीं होगे तो आप पीछे हो जाओगे, यहाँ पे ये भी कहा जाता है, ठीक है, समझ में आता है दोस्तों। अगला यहाँ पे अगले सिद्धांत की अगर बात करोगे तो यहाँ पे आता है राज्य आकांक्षाओं, मतलब उसकी जो भरोसा विश्वास है, ठीक है, उसको अलग करना, नैतिक सिद्धांतों को अलग करना, बांटना, ठीक है। हर स्टेट्स का क्या है, एक पर्टिकुलर मतलब एक सिद्धांत होता, पर्टिकुलर एक इच्छा होती है कि ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो स्टेट में कह रहा हूँ बार बार, वहां पे स्टेट का मतलब ये नहीं कि भारत के 28 राज्य हैं या 27 राज्य हैं, उसके बारे में नहीं कह रहा मैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक में स्टेट राज्य देशों को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर कंट्री का क्या एक अलग मोटिव होता है कि अगर मैं किसी से रिलेशन बना रहा हूँ तो मेरा क्या मोटिव है, उसका क्या मोटिव है, मतलब हर का अलग, सबका अलग अलग मोटिव होता है, ठीक है। अगर हमने इसराइल से रिलेशन बनाया तो उसको मेन मोटिव क्या था कि हमें जो गल्फ कंट्री थी उनके साथ में अच्छे रिलेशन बनाने थे, या फिर दूसरी कंट्रीज को मैसेज देना था कि हम पावरफुल कंट्रीज के साथ जा रहे हैं, ठीक है। अमेरिका के साथ हम रिलेशन बना रहे तो मेन क्या है कि हम इकोनॉमिकली उनके साथ हैं, ठीक है, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए हम उसके साथ रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि राज्य की आकांक्षाएं जो उनकी इच्छाएं हैं उनको समझना, ठीक है, ये मेन चीज है, ठीक है, यहाँ पे समझ में आता है। लास्ट यहाँ पे आता है कि ना राज्य को प्रत्येक स्वायत्ता प्रदान करना, जो वहां पे ऑटोनॉमी को मतलब पॉलिटिकल स्पेयर देना, वहां पे अधिकार देना, ठीक है, पॉलिटिकली अधिकार देना राज्य को, जो जो भी स्टेट्स हैं, जो भी कंट्रीज हैं, उनको पॉलिटिकली अधिकार देना, राजनीतिक अधिकार देना, ठीक है। आप अक्सर देखते होंगे कि भारत में कई सारे राजनयिक आते हैं, अलग अलग कंट्रीज के राजदूत आते हैं जो भारत में रहते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से वो बात करते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा है, ये चीजें हैं, ठीक है। तो मेन इम्पैक्ट ये है, क्यों वो चीजें होती हैं, तो मेन कारण ये होता है ये सारी चीजें होने का कि उनके राज्य के पास अधिकार है अपने, चाहे वो आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करे चाहे एक्सेप्ट नहीं करे, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास पॉलिटिकल अधिकार है, हर राज्य के पास होता है, हर स्टेट मतलब हर कंट्री के पास होता है, ठीक है। अब जैसे हम किसी कंट्री के साथ जुड़ते हैं, पाकिस्तान की बात करो चाहे नेपाल, चीन, किसी भी कंट्रीज के साथ बात करें, तो हम जब एक टेबल पे आते हैं, कॉन्फ्रेंस टेबल पे आते हैं, तो वो अपने शर्तें रखते हैं कि भाई हमारे हिसाब से ऐसा ऐसा होना चाहिए, और हम अपनी शर्त रखते हैं कि हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जब दोनों की आइडियोलॉजी मेन मिलती है तब हम उसको सिग्नेचर करते हैं, साइन करते हैं, ठीक है, समझ में आता है। तो यहाँ पे टोटल 6 सिद्धांत है। अगर आप बुक की बात करोगे तो यहाँ पे जो मैं बुक से कनेक्ट कर देता हूँ आपको, जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ तक जो मैंने 6 सिद्धांत समझाया, समझ में आया आप सभी को क्या? एक बार यार प्लीज माइक ऑन करके एक एक करके बता दीजिए जिससे मैं आगे बढ़ू, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो मैं आपको बुक से कनेक्ट करके बता देता हूँ सारे सिद्धांतों को, जिससे आपको इजिली समझ में आए कि हाँ ये बुक में भी है, ठीक है, और आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपके बुक में सबसे पहले जैसे हंस मोगेनथाउ के बारे में तो नॉर्मली इंट्रोडक्शन ही दे रखा है कि किस तरह का क्या यथार्थवाद का सिद्धांत है, ठीक है, ये सारा कुछ बता रखा है। उसके बाद यहाँ पे आता है, सबसे पहला आता है आदेश और ऑर्डर और स्टेबिलिटी, ठीक है, ऑर्डर और स्टेबिलिटी करके आपको दो पॉइंट दिख रहे होंगे, आदेश और ऐसा करके। तो यहाँ पे जो कहा जाता है ना, यहाँ पे प्रभावशाली राज्य के बारे में बात करता है कि किस तरह से एक प्रभावशाली राज्य, केंद्र के प्राधिकरण किस तरह से बन सकता है, ठीक है, कोई भी स्टेट है, जो भी कंट्री है, वो प्रभावशाली कैसे बन सकता है, ठीक है, पावरफुल कैसे बन सकता है, इसके बारे में बात करता है। तो मैंने पावरफुल बनने के बारे में क्या बताया था कि जो ह्यूमन नेचर को स्टडी करो, ह्यूमन नेचर के हिसाब से एक्शन लो, राष्ट्रहित की बात करो, ये आपके पावर को दर्शाता है, ठीक है। तो सेम पॉइंट यहाँ पे से कनेक्ट हो जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आदेश और उसके बारे में बात करता है कि अगर मान लो कोई रूल, जैसे राज्यों के पास क्या होनी चाहिए, अपनी स्वायत्ता होनी चाहिए, अपने अधिकार होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है। तो आदेश और स्वायत्ता के अंदर में ये भी बात करता है ये कि अगर राज्यों के पास अपने अधिकार है, अपने फ्रीडम है, तो अपने हिसाब से अपनी गाइडलाइन तय कर सकते हैं कि ये चीजें हैं ऐसे है, किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाते समय, ठीक है, समझ में आता है। अगर मान लो मैं किसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बना रहा हूँ तो मेरे पास अगर अपने अधिकार है तब मैं तय कर सकता हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल हम जर्मनी का ले सकते हैं कि जब जर्मनी को मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी के लिए बुलाया गया, जर्मनी को संधि के लिए बुलाया गया, वर्सा संधि के लिए बुलाया गया, तो उसके सारे अधिकार छीन लिए गए थे, ठीक है, उसके पास कोई अधिकार था ही नहीं कि वो अपनी इंटरनेशनल रिलेशनशिप को तय कर सके, ठीक है, और वो जो अधिकार दूसरे के पास थे उसी के अनुसार वो चल रहा था, मतलब वो दूसरों के दबाव में उनको साइन करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बारे में भी हम बात करते हैं।
अगला पॉइंट यहाँ पे आता है कि शक्ति संतुलन बैलेंस ऑफ पावर। अगर आप अपने ह्यूमन नेचर को समझते हो, मतलब यहाँ पे मैंने राष्ट्रहित के बारे में बात किया था कि राष्ट्रहित पर परिस्थितियों की प्रभाव कि किस तरह से उसका प्रभाव पड़ता है राष्ट्रहित के परिस्थितियों पर, और राष्ट्रहित की व्याख्या क्या होती है शक्ति के संदर्भ में। मैंने कहा था पावर के, पावर को लेकर जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसका क्या मतलब विचार है, ठीक है। अगर आप शक्ति संतुलन की बात करोगे कि मतलब किस तरह से पावर होना चाहिए, डिवाइड किस तरह से होना चाहिए पावर, तो पावर कैसे डिवाइड हो सकता है कि सभी इक्वल टेबल पर आकर बात करें। अगर मान लो पाकिस्तान और भारत के एग्जांपल लेके चले, पाकिस्तान और भारत अगर दोनों की आइडियोलॉजी सेम है, दोनों की विचारधारा सेम है, सब दोनों की चीजें सेम है कि अगर दोनों चाहते हैं कि शांति स्थापित हो तो दोनों की आइडियोलॉजी मैच करेगी, ठीक है। पर अगर एक कहता है कि ऐसा होना चाहिए, दूसरा सेम अपोजिट बोलता है, तो आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही, ठीक है, तो वहां पे शक्ति संतुलन की बात नहीं हो सकती है, ठीक है। और मान लो कि एक हम किसी समझौते के तहत जाते हैं जहां पे कहा जाता है कि आपको अब कोई भी हथियार नहीं खरीदना है, हथियारों पे पाबंदी लगा दी जाती है, फिर भी मैं अपने हथियार बढ़ाता हूँ, ठीक है, या कोई और कंट्री बढ़ाता है, तो वहां पे पावर बैलेंस, पावर बैलेंस ऑफ पावर नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं उत्तरी कोरिया का, जहां पर वो नए नए परमाणु बम का मतलब परीक्षण करना, नए नए हथियारों का परीक्षण करना, ठीक है, तो वहां बैलेंस ऑफ पावर की स्थिति में नहीं बढ़ रहा, ठीक है। अभी आज के समय में क्या है, किसी के पास 5 परमाणु बम है और किसी के पास 500 परमाणु बम है, तो ये बैलेंस ऑफ पावर कभी भी स्थापित नहीं हो सकता है। अगर अमेरिका कहे आज के समय में कि मुझे बैलेंस ऑफ पावर स्थापित करना है पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में बैलेंस ऑफ पावर स्थापित करने के दो कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन ये कि अपने सारे परमाणु बम को खत्म करो, जितना जिसके पास है सबका एक बराबर हो। दूसरा कंडीशन ये कि आप अगर अपने परमाणु बम को खत्म नहीं कर सकते तो दूसरों को मौका दो कि वो इतने परमाणु बम बना सके, ठीक है, जिससे बैलेंस ऑफ पावर हो, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर आती है, सेम चीज यहाँ पे मैंने बताया। यहाँ पे आता है हित और न्याय, इंटरेस्ट और जस्टिस, ठीक है ना। इंटरेस्ट और जस्टिस के बारे में बात किया था कि राष्ट्र हित का क्या इंटरेस्ट होता है, ठीक है, किस तरह से उसका इंपैक्ट पड़ता है, क्या इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात करी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट और जस्टिस, अगर आपके पास पावर है, ठीक है, आपने ह्यूमन नेचर को समझा, पावर है, ठीक है, आप नेशनल इंटरेस्ट को समझ रहे हो, नेशनल इंटरेस्ट के इंपैक्ट को समझ रहे हो, तब आप समझ पाओगे कि राष्ट्र हित के बाद आप किस तरह से न्याय कर सकते हो, ठीक है। आज के समय में क्या है कि अगर हम किसी भी कंट्री के साथ, जैसे मान लो अभी भारत और चीन का विवाद हुआ, ठीक है, कुछ समय पहले कश्मीर का मुद्दा था, वहां पे भारत और पाकिस्तान का विवाद था, ठीक है, तो बड़ी बड़ी जो दूसरी कंट्रियां थी वो हमारे ऊपर टिप्पणी कर रही थी कि आपको नहीं ऐसे, नहीं ऐसे करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो अपने लोगों के इंटरेस्ट को समझ रहे हैं, उनके पास पावर ज्यादा है, हमसे कहीं ज्यादा अपर ग्रेड कंट्रियां हैं, जिसके कारण से हमारे ऊपर टिप्पणी कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर हित और न्याय के बारे में बात करता है, ठीक है। एक बार आप पढ़ोगे इसे तब सारा कुछ आपको समझ में आएगा। समझ में आता है दोस्तों यहाँ तक आपको? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? कोई डाउट है तो मुझे एक बार फटाफट बता दो, उसके बाद फिर मैं कुछ और चीजें आपके लिए ट्राई करूंगा। अगर डाउट है तो कुछ जो भी, एक बार माइक ऑन कीजिए, ठीक है प्लीज। और अगर सर डाउट तो नहीं है, डाउट तो नहीं है, समझ तो आ गया, बट इसको हम टाइटल क्या देंगे इसको, ये जितने भी आपने पॉइंट्स बताए हैं? मैं एक काम कर सकता हूँ आपके लिए, मतलब जैसे अगर पेपर में लिखना होगा हमको, पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर प्रिंसिपल्स के बारे में लिखेंगे, फिर इनको डिस्क्राइब करना होगा, तो क्या लिखेंगे उसमें? चलो मैं बता देता हूँ ये भी आपको। देखो नॉर्मल इसका जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ये रहेगा कि हंस मोगेनथाउ के सिद्धांत को समझाओ, चाहे ये आ जाए सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन, या फिर ये आए कि हंस मोगेनथाउ के सिद्धांत एवं इनके 6 प्रिंसिपल जो सिद्धांत थ्योरी है इसको समझाओ, ठीक है, यथार्थवाद किसे कहते हैं ये बताओ, ठीक है। ऐसा करके कुछ भी क्वेश्चन आता है जहां पे भी यथार्थवाद दिखे, हंस मोगेनथाउ दिखे, तो आप सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ हंस मोगेनथाउ दोगे कि हंस मोगेनथाउ है क्या, उनकी प्रिंसिपल की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। हमने बताया, जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वहां